Welcome to all of you. The topic of our e-lecture is linkage. As we know that an organism is a bundle of traits or characters and each trait is determined by the Mendelian factor which Johnson's named the genes. Each genes made up of a pair of alleles or allelomorphs show there are many genes present in an organism for their various traits. We know that क्रोमोसोम नंबर इज लिमिटेड इन एनी ऑर्गेनिज्म सो अ क्रोमोसोम हैव मैनी जीन्स ऑन इट विच आर लिंक्ड टू ईच अदर तो हम कह सकते हैं कि, कि किसी भी जीव में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं और हर करेक्टर्स जो है किसके द्वारा एक मैंडेलिन कारक के द्वारा निर्धारित होता है जिसे जॉनसन ने जीन कहा और इस तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं और बहुत सारे जीन्स होते हैं और लेकिन हम जानते हैं कि क्रोमोसोम की संख्या जो है वो लिमिटेड होती है सीमित होती है इसलिए जो है एक क्रोमोसोम पर बहुत सारे जीन्स पाए जाते हैं जो कि किस फॉर्म में रहते हैं लिंक्ड फॉर्म में रहते हैं एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं सहलग्न रहते हैं तो लिंकेज को डिफाइन करने से पहले जो है हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि लिंक्ड जीन क्या होते हैं लिंक्ड ग्रुप क्या होता है और लिंक्ड करेक्टर्स क्या होते हैं तो लिंक्ड जीन को हम देखते हैं कि जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम विच आर इनहेरिटेड टूगेदर आर कॉल्ड लिंक्ड जीन एक ही क्रोमोसोम पर स्थित जीन जो कि एक साथ वंशागत होते हैं उसको हम कहते हैं लिंक्ड जीन या सहलग्न जीन और ऐसे लिंक्ड जीन का जो ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं लिंक्ड ग्रुप या सहलग्न समूह कहते हैं और लिंक्ड करेक्टर किसे कहते हैं कि ऐसे करेक्टर्स ऐसे करेक्टर्स जो लिंक्ड जीन द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं उसको हम कहते हैं लिंक्ड करेक्टर्स सहलग्न लक्षण और जो लक्षणों का स्वतंत्र अपवन होता है जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है किसी ट्रेड्स का वो क्रोमोसोम के जो है असॉर्टमेंट पर डिपेंड करता है न कि जीन्स के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पर तो यहाँ पर जो है गुण सूत्रों के स्वतंत्र अपव्यूहन पर ही लक्षणों का जो है निर्धारण होता है जीन्स के स्वतंत्र अपव्यूहन पर नहीं तो हम लिंकेज को डिफाइन करते हैं कि लिंकेज क्या है एट द टाइम ऑफ हेरिडिटी द जीन्स ऑफ द सेम क्रोमोसोम आर इनहेरिटेड टूगेदर एंड रिटेन देयर पेरेंटल कॉम्बिनेशन रिटेन देयर पेरेंटल कॉम्बिनेशन इन द ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड लिंकेज कि वंशागति के समय वंशागति के समय एक ही क्रोमोसोम पर स्थित जीन जो है एक साथ वंशागत होते हैं और ऑफ स्प्रिंग में यानी प्रोजेनि में जो है अपने पेरेंटल कॉम्बिनेशन को बनाए रखते हैं इस तरह की जो घटना होती है उसको हम कहते हैं लिंकेज कहते हैं या सहलग्नता कहते हैं और जो लिंकेज टर्म जो है वो टी एच मॉर्गन के द्वारा दी गई और बैट्सन और पुनेट ने जो है इस लिंकेज को एक्सप्लेंड करने के लिए जो है सबसे पहले जो है कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथिस दी गई युग्मन और प्रतिकर्षण परिकल्पना जो है दी गई लिंकेज को एक्सप्लेन करने के लिए तो हम सबसे पहले देखते हैं कपलिंग हाइपोथेसिस क्या होती है युगमन परिकल्पना कि वैन टू तो डोमिनेंट्स और रिसेसिव एलीस ऑफ द सेम क्रोमोसोम सेम टेट्स कम्स फ्रॉम द सेम पेरेंट्स दे ट्राई टू तो पास इन टू ए गैमेट्स टूगेदर एंड सो सिमिलर इनहेरिटेंस फ्रॉम मैनी जनरेशन क्या कह रहे हैं कि जो है किसी भी कोई भी लक्षण है उसकी दो दोनों डोमिनेंट और रिसेसिव वैल्स अगर किसी एक ही पेरेंट्स से आ रहे हैं सेम पेरेंट्स से आ रहे हैं तो गैमेट्स में एक गैमेट्स में साथ जाने का प्रयास करते हैं और कई पीढ़ियों तक इसी तरह की वंशागति दर्शाते हैं यानी यहाँ पर जो है डोमिनेंट हो या फिर रिसेसिव हो वो जो है एक ही पेरेंट्स से आ रहे हैं अगर डोमिनेट आ रहे हैं तो एक पेरेंट्स से होंगे और रिसेसिव आ रहे हैं तो एक पेरेंट्स से होंगे तो वो इस तरह से जो है एक ही गैमेट्स में एक साथ जाने का प्रयास करते हैं और कई पीढ़ियों तक इसी तरह की वंशागति दर्शाते हैं तो इसको जो है कपलिंग हाइपोथेसिस या कपलिंग कहते हैं और बैट्सम और पुनेट ने जो है लेथरस ऑडरेटस इसे मीठी मटर कहते हैं उसमें जो है लिंकेज का एक्सपेरिमेंट किया और इसमें जो है जो है क्या होता है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं पाया जाता है अब हम जो है इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं बैट्सन और पुनेट ने जो है लेथरस ऑडोरेटस पर जो लिंकेज एक्सपेरिमेंट किया उसमें दो तो ट्रेड्स लिए देखिए फ्लावर कलर और पोलन दो ट्रेड्स लिए इसमें कलर में देखें फ्लावर कलर में तो ब्लू कलर जो है वो रेड कलर पर डोमिनेट है और जो लॉन्ग पोलन है वो जो है राउंड पोलन के ऊपर डोमिनेट है अब बैट्सन पोनेट ने जो है संकरण करवाया क्रॉस करवाया किसके बीच में ब्लू कलर एंड लॉन्ग पोलन वाले फ्लावर का रेड कलर और राउंड पोलन वाले फ्लॉवर के बीच में क्रॉस करवाया और जो एफ वन जनरेशन जो है प्राप्त हुई इसमें बैट्सन और पुनेट को उसमें जो है जितने भी प्लांट्स थे उन सब में जो है फ्लावर में उसका कलर जो है ब्लू था और लॉन्ग पोलन थे यानी एफ वन जो है प्रोजेनि थी उसमें ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पोलन वाले रिजल्ट प्राप्त हुए उसके बाद इस हीट्रोजाइगस एफ वन प्लांट्स का इस हीट्रोजाइगस एफ एन प्लांट्स जो एफ एन पी डी में प्राप्त हुए हैं उसका जो है टेस्ट क्रॉस करवाया यानी टेस्ट क्रॉस क्या होता है होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाना तो अब इस सीट्रोजाइगस एफ वन प्रोजेनिका होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाया और इस टेस्ट क्रॉस में जो टेस्ट क्रॉस रेशो जो है वो वन एस टू वन एज टू वन एज टू वन के स्थान पर जो है सेवन एस टू वन एज टू वन टू सेवन जो है वो प्राप्त हुआ अब अब देखिए कि इस क्रॉस को हम देखते हैं कि ये जो पेरेंट प्रोजे पेरेंट ब्ल्यू और लॉन्ग और ये रेड और राउंड हम देखा था कि दो जो है डोमिनेंट और या रिसेसिव एक ही पेरेंट से आ रहे हैं रिसेसिव एक ही पेरेंट से आ रहे हैं इस तरह से डोमिनेंट भी जो है एक ही पेरेंट से आ रहे हैं और इसके बीच में गैमेट्स कैपिटल एल कैपिटल बी स्मॉल कैपिटल बी और कैपिटल एल इस तरह से इसमें जो है स्मॉल बी और स्मॉल एल और उसके बाद इनके बीच में क्रॉस के द्वारा जो एफ एन प्रोजेनी जो प्राप्त हुई है वो कैसी है समस्त प्रोजेनी जो है उसमें ब्लू कलर और लॉन्ग पॉलन थे अब इस हीट्रोजाइगस एफ वन प्रोजेनी का जो है टेस्ट क्रॉस करवाया टेस्ट क्रॉस मतलब होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करवाया और क्रॉस करवाने के बाद में जो प्रोजेनी जो एफ टू जनरेशन प्राप्त हुई वो इस तरह से कि उसके बीच का जो रेशो था वो वन एस टू वन एज टू वन एज टू वन जो टेस्ट क्रॉस रेशो होना चाहिए उसकी जगह पर सेवन टू वन टू वन टू सेवन हंड्रेड प्राप्त हुआ यानी जो टोटल सिक्सटीन प्लांट्स जो प्राप्त हुए उस सिक्सटीन प्लांट्स में देखिए आप कि जो कॉम्बिनेशन पेनटल कॉम्बिनेशन क्या है ब्लू लॉन्ग और रेड राउंड तो यहाँ पर देखिए ब्लू लॉन्ग और रेड राउंड ये कॉम्बिनेशन सिक्सटीन में से जो फोटीन जो है कॉम्बिनेशन जो है वो कैसी है पेरेंटल कॉम्बिनेशन की है केवल जो है दो जो है प्रोजेनी जो है वो कैसी है नए कॉम्बिनेशन की है रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन की है तो यहाँ पर जो है पैरेंटल कॉम्बिनेशन जो है नए कॉम्बिनेशन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है और इसलिए जो है हम जो है इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि डोमिनेंट या फिर रिसेसिव इनमें क्या टेंडेंसी होती है एक साथ बने रहने की टेंडेंसी होती है और बैट्सन और पुनेट ने इसी टेंडेंसी को जो है क्या कहा कपलिंग या युग्मन कहा तो इसके बाद हम देखते हैं रिपर्सन हाइपोथेसिस या जो है प्रतिकर्षण परिकल्पना रिपल्सन हाइपोथेसिस इसकी ठीक उल्टी कि जो है कपलिंग क्या कह रहा है कि जब एक ही करेक्टर्स के, के जो है किसी करेक्टर्स के डोमिनेट रिसेसिव जो एलिल्स है एक ही पेरेंट्स से आ रहे हैं तो एक साथ गैमेट्स में जाने का प्रयास करते हैं लेकिन रिपल्सन हाइपोथेसिस क्या कह रही है कि वैन टू डोमिनेट्स एंड रिसेसिव एल्स ऑफ द सेम ट्रेड्स कम्स फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स दे ट्राई टू मूव इन डिफरेंट गैमेट्स कि अगर डोमिनेंट और रिसेसिव यानी प्रभावी और अप्रभावी युग्म विकल्पी जो है अलग अलग पेरेंट्स से अलग अलग जनक से आ रहे हैं तो वो जो है अलग अलग युग्मकों में जाने का प्रयास करते हैं इसी घटना को जो है क्या कहते हैं रिपल्सन दिस फिनोमिन इज नॉन एज रिपल्सन अब देखते हैं रिपल्सन को बैट्सन और पुनेट ने जो है ब्लू, ब्लू कलर और राउंड पोलन वाले फ्लावर का जो है रेड कलर और लॉन्ग पोलन वाले फ्लावर से क्रॉस करवाया और एफ वन जनरेशन में सारे जो है रिजल्ट आए वो कैसे थे ब्लू कलर और लॉन्ग पॉलन वाले थे और जब इस एफ वन हिट्रोजाई होमोजा इसका एफ वन जनरेशन का जो है टेस्ट क्रॉस करवाया होमोजाइगस हो एस एससी प्लान से तो जो है कैसी प्रोजन प्राप्त हुई इसमें जो है टोस टेस्ट क्रॉस रेशो जो है वन एस टू वन एस टू वन एस टू वन के स्थान पर जो है वन एस टू सेवन एस टू सेवन एज टू वन जो है ये जो अनुपात इस जो है क्रॉस में प्राप्त हुआ अब इसको क्रॉस को हम देखते हैं ये देखिए कि ब्लू एंड राउंड पेरेंट्स इसी तरह से रेड और लॉन्ग रेड कलर लॉन्ग पोलन जबकि कपलिंग क्या था कि ब्लू और लॉन्ग दोनों ही जो है डोमिनेट जो है एक ही पेरेंट्स से आ रहे थे और रिसेस ही दोनों एक पेरेंट्स से आ रहे थे यहाँ पर एक डोमिनेट अलग पेरेंट से एक जो है दूसरे डोमिनेट अलग पेरेंट से आ रहे हैं तो इनके बीच में क्रॉस करवाया तो एफ वन जो है उसमें सारे के सारे कैसे हैं ब्लू कलर और लॉन्ग पोलन वाले फ्लावर्स और इनका जो इस हिटरोजाइगस का जो है हिट्रोजाइगस एफ वन प्रोजेनी का जो है फिर टेस्ट क्रॉस करवाया जैसे होमोजाइगस से रेड और राउंड से क्रॉस करवाया तो जो एफ वन एफ़ टू प्रोजैनी जो है प्राप्त हुई उस प्रोजेनी में देखिए आप कि इस तरह से वन एस टू सेवन एज टू सेवन एज टू वन रेशो यानी जो सिक्सटीन प्लांट्स जो प्राप्त हुए उस सिक्सटीन प्लांट्स में से देखिए आप कि फोरटीन प्लांट्स जैसे हैं वो कैसे हैं पेरेंटल कॉम्बिनेशन के हैं पेरेंटल कॉम्बिनेशन देखिए यहाँ पर कौन सा है ब्लू राउंड एंड रेड लॉन्ग रेड लॉन्ग इसी तरह से हम प्रोजेन देखते हैं एफ टू ब्ल्यू राउंड और रेड लॉन्ग ये जो प्रोजेन है एफ टू प्रोजेन उसमें जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन सिक्सटीन में से फोर्टीन है केवल दो ही कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो नए कॉम्बिनेशन के रूप में आए हैं तो यहाँ पर भी जो है पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है नए कॉम्बिनेशन से काफ़ी ज़्यादा है तो इस तरह से क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि जीन्स कमिंग्स फ्राम डिफरेंट पेरेंट्स हैव टेंडेंसी टू बी इनहेरिटेंट इनहेरिटेड इनडिपेंडेंटली यानी अलग अलग पेरेंट्स से आने वाले जीन जो है क्या करते हैं स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं और अलग अलग गैमेट्स में जाने का प्रयास करते हैं और बैट्सन और पुर्नेट ने जो है इसी टेंडेंसी को जो है क्या कहा रिपल्सन कहा या प्रतिकर्षण परिकल्पना कहा तो इस तरह से जो है बैट्सन और पुर्डनेट द्वारा कपलिंग और रिपल्सन हाइपोथेसिस द्वारा जो है लिंकेज को एक्सप्लेन किया गया और मॉर्गन को देखते हैं तो मॉर्गन के अनुसार जो है कपलिंग और रिपल्सन जो है हाइपोथेसिस uh, जो है या फिर जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है एक ही घटना के दो आस्पेक्ट्स है एक ही परिघटना के दो पहलू है और कपलिंग के केस में क्या होता है कि जो डोमिनेंट ऑलिल्स होते हैं एक ही करेक्टर एक ही क्रोमोसोम पर रहते हैं और रिपल्सन के केस में जो दो डोमिनेंट करेक्टर्स होते हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम पर रहते हैं उसके बाद हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज जो कि मॉर्गन ने 1911 में दी थी कि सहलग्नता का जो गुणसूत्र सिद्धांत जो है वो क्या है क्रोमोसोमल थ्योरी क्या कहती है कि ड्यूरिंग इनहेरिटेंस जीन्स लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम हैव ए टेंडेंसी टू स्टे टूगेदर क्या कहती है कि वंशागति के दौरान किसी क्रोमोसोम पर स्थित जीन जो है उनमें जो है एक साथ बने रहने की प्रवृत्ति होती है टेंडेंसी टू स्टे टूगेदर पहली जो है उसका कंसेप्टिस क्रोमोसोम थ्योरी का ये है फिर क्या कहते हैं क्रोमोसोम थ्योरी कि इनके अनुसार जो क्रोमोसोम पर जो जीन पाए जाते हैं वो जीन लीनियर ऑर्डर में होते हैं जीन्स आर अरेंस्ट इन्हने लीनियर ऑर्डर या रेखीय क्रम में जो है जीन्स पाए जाते हैं और जो लिंक्ड जीन्स होते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है यानी क्रोमोसोम पर जो लिंक्ड जीन पाए जाते हैं उस लिंक्ड जीन के बीच को जिस कि जो दूरी होती है जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस क्या होती है लिंकेज स्ट्रेंथ की जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर लिंक्ड जीन के बीच की दूरी कम होगी तो लिंकेज स्ट्रेंथ जो है बढ़ेगी और अगर लिंक्ड जीन के बीच की डिस्टेंस अगर बढ़ती है तो लिंकेज स्ट्रेंथ जो है क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और उसके बाद फोर्थ कंसेप्ट इस थ्योरी का क्या है कि कपलिंग एंड रिपल्स आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम फिनोमिन एक ही परिघटना के जो है दो पहलू है युग्मन और प्रतिकर्षण एंड ड्यूरिंग इनहेरिटेंस लिंक्ड जीन्स रिटेन देयर आइडेंटिटी कि वंशागति के दौरान जो सहलग्न जीन है अपनी पहचान अपनी वास्तविकता या अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखते हैं बनाए रखते हैं तो इस तरह से ये थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज उसके बाद हम बात करते हैं लिंकेज इन मेज़ कि मेज़ में जो है लिंकेज किस तरह से है होती है अचिनसन ने जो है सबसे पहले मेज़ में लिंकेज का पता लगाया और 1922 में अचिनसन जो है मेज़ में पाए जाने वाले जो नाइन्थ क्रोमोसोम है उस क्रोमोसोम पर स्थित दो जीन्स उसको यूज़ किया और ये दो जीन्स कौन कौन से हैं पहला जीन है सीड कलर सीड में जो एल्यूरोन कलर होता है वो कलर उससे रिलेटेड है और दूसरा जो जीन है वो एंडोस्पर्म की शैप से रिलेटेड है तो इसमें सीड कलर जो है वो कलर्ड सीड जो है वो कलरलेस सीड पर डोमिनेंट इसी तरह से एंडोस्पर्म की शेप जो है वो भरी हुई या फुल जो शेप है वो श्रंकन शैप पर जो है डोमिनेट रहती है तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो इस तरह से कि दोनों ही डोमिनेंट जो एलील जो है वो एक ही पेरेंट से आ रहे हैं इसी तरह से रिसेसिव एलिज जो भी है एक ही पेरेंट से आ रहे हैं तो इनके यानी कलर्ड और फुल का क्रोस जो है कलरलेस और शंकन पेरेंट से करवाया और उसके बीच में गैमेट्स जो उसमें गैमेट्स बने जो है डोमिनेंट सी डोमिनेंट एस और इसी तरह से रिसेसिव सी रिसेसिव एस गैमेट्स बने और एफ जो प्रोजेनि प्राप्त हुई उसमें सारे सारे प्लांट्स कैसे थे कलर्ड थे और फुल एंडोस्पन वाले थे अब इस कलर्ड और फुल एंडोस्पन प्रोजेनी का क्रॉस जो है इस हीट्रोजाइगस एफ वन जनरेशन का क्रॉस जो है करवाया किससे होमोजाइगस रिसेसिव से यानी टेस्ट क्रॉस करवाया गया और टेस्ट क्रॉस के बाद जो एफ़ टू जनरेशन प्राप्त हुई उस एफ टू जनरेशन किस तरह का जो है रश इस तरह से अब देखिए कि ये जो सिक्सटीन प्रोजेनी प्राप्त हुई उसमें चार तरह के कॉम्बिनेशन है इस तरह के अब देखिए कि यहाँ पर जो है कैसे कॉम्बिनेशन हो रहे हैं ये जो है पेंटल कॉम्बिनेशन है ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है और ये दोनों जो है नए कॉम्बिनेशन है और पेरेंटल और न्यू कॉम्बिनेशन दोनों को देखा जाए तो यहाँ पर जो मेज़ के अंदर पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितने हैं नाइन्टी सिक्स पॉइंट फोर परसेंट जो है पेरेंटल कॉम्बिनेशन है जबकि न्यू कॉम्बिनेशन जो है थ्री पॉइंट सिक्स परसेंट केवल थ्री पॉइंट सिक्स परसेंट ही नए कॉम्बिनेशन है अब हम देखते हैं कि मैंडलियन रूल्स के अनुसार है मैंडलिज्म के जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो है मेज़ में जो एफ टू जनरेशन है उसमें जो है टेस्ट क्रोसेश वन एज टू वन एज टू वन एज टू वन होना चाहिए और यहाँ पर फिफ्टी परसेंट जो है पेरेंटल और फिफ्टी परसेंट नई कॉम्बिनेशन होना चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं है बल्कि कैसा होता है कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो नाइन्टी सिक्स पॉइंट फोर परसेंट रहता है जो और जबकि नए नए कॉम्बिनेशन रहता हैं वो थ्री पॉइंट सिक्स परसेंट रहता है जो यानी नए कॉम्बिनेशन जो है पेरेंटल कॉम्बिनेशन की तुलना में काफ़ी कम है तो यह क्या शो करता है क्या दर्शाता है कि 96.4 परसेंट जीन जो है एक दूसरे से लिंक्ड है एक दूसरे से सहलग्न है इसलिए जो है वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं शो कर रहे हैं जबकि 3.6 परसेंट जीन केवल 3.6 परसेंट जीन ही जो है एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और सेपरेट होकर के क्या करते हैं और नए कॉम्बिनेशन बनाते हैं ये जीन सेपरेट होते हैं और इसके बीच में जीन एक्सचेंज होता है क्रॉसिंग ओवर होता है और उसकी उसकी वजह से जो है यहाँ पर नए कॉम्बिनेशन बनते हैं तो यहाँ पर जो है लिंकेज की वजह से जो है यहाँ पर पेरेंटल कॉम्बिनेशन का रेशो जो है काफ़ी ज़्यादा रहता है नए कॉम्बिनेशन या रिकॉम्बिनेट कॉम्बिनेशन की वजह से तो इस तरह से जो ये हमारे हमने जो है इस टॉपिक में जो है लिंकेज की डेफिनेशन कपलिंग एंड ए पर्सन हाइपोथिस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज और लिंकेज इन मेज़ तो ये सारे जो है हमने पॉइंट वो जो है पढ़ा हमने थैंक यू